मेरा आधार मेरी पहचान। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे आधार कार्ड के बारे में, किस तरह से दोस्तों आप यहां पे आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, रिप्रिंट कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपका आधार कार्ड गुम हो गया है, भुला गया है, चोरी हो गया है, और दोस्तों आपका मोबाइल नंबर आधार कार्ड से रजिस्टर नहीं है, फिर भी दोस्तों मैं आपको बताऊंगा यहां पे किस तरह से आप अपना आधार कार्ड को रिप्रिंट करवा के दोस्तों मंगा सकते हैं अपने पते पे। पूरा प्रोसेस वाइज मैं आपको बताऊंगा यहां पे, सो वीडियो पूरा देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा दोस्तों। यहां पे मैं प्रोसेस वाइज सब कुछ आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। अगर दोस्तों आप अपना आधार कार्ड नहीं बनवाया अभी तक, तो दोस्तों ऊपर आई बटन पे मैं इसका लिंक दे दूंगा, वहां से क्लिक करके दोस्तों आप अपना आधार कार्ड यहां पे बना सकते हैं, और उसमें और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। वो सारा कुछ मैं आपको वहां पे लिंक आई बटन पे दे दूंगा। अब दोस्तों चलिए मैं आपको स्क्रीन पे ले चलता हूँ और वहाँ बताता हूँ आपको क्या करना है, किस तरह से करना है, स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसेस बताता हूँ। गूगल के आने के बाद दोस्तों आपको सिंपल सा सर्च करना है UIDI। सर्च करने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस खुल के सामने आएगा। अब इस पर दोस्तों आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करिएगा तो आपका पूरा इंटरफेस इस टाइप का खुल के आएगा। अब आपको नीचे स्क्रॉल करके जाना है। अब यहाँ पर देख लीजिए ऑर्डर रिप्रिंट आधार होगा, और ऑर्डर आधार रिप्रिंट होगा। अब जैसे ऑर्डर आधार रिप्रिंट होगा तो इस पर क्लिक करना है। अब जैसे इस पर क्लिक करिएगा तो एक नया पेज खुल के आपके सामने में इस तरह से आ जाएगा। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ सिंपल उस टाइप का दोस्तों आपको करते जाना है सारा प्रोसेस। आपको आपके घर पे आधार कार्ड रिप्रिंट होके आ जाएगा, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। मैं प्रोसेस वाइज सब कुछ आपको बताऊँगा। अब आपको यहाँ पर आधार नंबर अगर आपके पास है तो आप यहाँ पर आधार नंबर डाल दीजिए, या वर्चुअल आईडी है तो वर्चुअल आईडी डाल दीजिए, या ईआईडी है तो ईआईडी डाल दीजिए। अब यहाँ पे डालने के बाद दोस्तों जैसे मैं यहाँ पे आधार नंबर डाल देता हूँ, उसके बाद नीचे आ जाएगा आपको कैप्चा कोड यहाँ पे आपको डालना है। अब जैसे कैप्चा कोड डाल दीजिएगा तो अब देखिए कैप्चा कोड यहाँ पे आधार नंबर डाल दीजिएगा, अब यहाँ पे कैप्चा कोड डाल दीजिए। अगर आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर नहीं है तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना, जैसे माय मोबाइल नंबर इज़ नॉट रजिस्टर्ड, तो आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है माय मोबाइल नंबर इज़ नॉट रजिस्टर्ड। अब जैसे यहाँ पे क्लिक करिएगा तो एक आपका नया इंटरफेस खुल के आएगा। पहले वहाँ पे आधार नंबर डाल दिए, अब जैसे इस पर क्लिक करिए तो एक मोबाइल नंबर आएगा। अब जिस मोबाइल नंबर पे आपको मंगाना है, जिस पे OTP जाएगा, वो मोबाइल नंबर यहाँ पे देना है, जिससे वो वेरीफाई होगा कि आप ही ने अपना अप्लाई किया है, OTP के लिए अप्लाई किया है, आपने रिप्रिंट मंगाया है अपना आधार कार्ड। तो यहाँ पर मोबाइल नंबर डाले हुआ, सीधे आपको सेंड OTP पे करना है। जैसे सेंड OTP पे करिएगा तो यहाँ पर आधार नंबर थोड़ा गलत हो गया है, तो ये मैं फिर से फिल कर लेता हूँ। उसके बाद जैसे कीजिएगा तो यहाँ पर OTP सेंड हो जाएगा आपके मोबाइल पे। अब सिंपल सा आपको यहाँ पे नीचे में अपना OTP यहाँ पर डाल देना है। जैसे OTP डालिएगा 6 डिजिट का, तो यहाँ पर पूरा प्रोसेस यहाँ पर खुल गया। यहाँ टर्म कंडीशन पर क्लिक मारिएगा, उसके बाद आपको सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे सबमिट बटन पे क्लिक करेगा तो आपका कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा। अब देखिए यहाँ पे वेरीफाई योर एड्रेस डिटेल्स है, प्रीव्यू इज नॉट अवेलेबल टू नॉन रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर नहीं, ये तो आपको प्रीव्यू नहीं दिखा रहा है। ऑर्डर आधार रिप्रिंट अब करना है, यहाँ पर हो गया सारा प्रोसेस। अब आपको यहाँ पर मेक पेमेंट पर करना है। जैसे मेक पेमेंट पर क्लिक करिएगा तो आपको ये ले जाएगा, मेक पेमेंट करवाएगा, 50 रुपये का दोस्तों चार्ज लेगा, जिससे दोस्तों आपके घर पे दोस्तों आपका आधार कार्ड आ जाएगा। आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर नहीं तो दोस्तों 50 रुपये का चार्ज तो लगेगा। अगर रजिस्टर होता तो आप तो कैफ़े से निकलते, यहाँ पे कोई कैफ़े जाने की ज़रूरत नहीं है, बस यहाँ से आपको मोबाइल से ही अपना आधार कार्ड अपने घर पर मंगवा सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर तीन चीज़ दिया, कार्ड, क्रेडिट, डेबिट, नेट बैंकिंग, UPI, अब तीनों में से आपको पेमेंट कर लेना है। जैसे पेमेंट पर करिएगा, जैसे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ कार्ड होल्ड, यहाँ नाम डाल देता हूँ, यहाँ पे कार्ड से पेमेंट कर देता हूँ। अब जैसे यहाँ पे मैं डाला, अब यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक कर दूँगा। जैसे प्रोसीड पे क्लिक करूँगा तो दोस्तों ये आपको ये हो जाएगा, या पेमेंट हो जाएगा। अब यहाँ पे OTP जाएगा आपके मोबाइल नंबर पर, तो यहाँ पर OTP आपको फिल कर देना है। जैसे OTP फिल करिएगा तो आपका आगे का प्रोसेस कुछ इस तरह से पूरा खुल के आपके सामने आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे आपका ट्रांजेक्शन फुल हो जाएगा, अब जैसे सक्सेसफुल हो जाएगा। अब उसके बाद दोस्तों आपको एक्नॉलेजमेंट रिसीप्ट ऑफ आधार रिप्रिंट ऑर्डर, यहाँ पे आप देख लीजिए सारा कुछ हो गया आपका। ये SRN नंबर आपको मिल गया, ये रिसीप्ट नंबर हो गया, ट्रांजेक्शन ID हो गया, यहाँ सारा कुछ आपको मिल गया। अब यहाँ पर डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट स्लिप आपको डाउनलोड कर लेना है। एक्नॉलेजमेंट स्लिप डाउनलोड करने के बाद आपका ये पूरा चीज़ खुल जाएगा। अब जैसे ये पूरा खुल जाएगा तो अब आपके जैसे अब आप अपने मोबाइल पे जाके अपना देख लीजिए। अगर स्टेटस चेक करना है
तो वहाँ पे जाके अपना स्टेटस चेक करते हैं कि मेरा आधार कार्ड कहाँ तक पहुँचा है, कैसे पहुँचा है, पूरा प्रोसेस वहाँ पे। आप यहाँ पे एंटर एसआई नंबर, आधार नंबर, कैप्चा फिल करके दोस्तों आप अपना आधार का स्टेटस देख सकते थे, कहाँ तक पहुँचा है, किस तरह से पहुँचा है, अभी कहाँ आने वाला है, कहाँ पहुँचा है। इस तरह से दोस्तों आप अपना आधार कार्ड स्टेटस के थ्रू देख के दोस्तों आप यहाँ पर अपना मंगवा सकते हैं, घर पर आपका डिलीवरी हो जाएगा, यहाँ पर कोई चार्ज नहीं लगेगा। तो यही था दोस्तों आज का, किस तरह से आप अपने घर पे अपना आधार कार्ड मंगवा सकते हैं, रिप्रिंट करवा सकते हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं ये दोस्तों आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी और दोस्तों आपके लिए काम के साबित होगी। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।